नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु हाजिर हूँ आपके सामने प्यारे से और नए से वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल SS Homes में। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि हमें एक ऐसी हमें प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा एक विला चाहिए जो 4 BHK हो, जिसमें 4 लेट बाथ हो, 2 किचन हो, काफ़ी पार्किंग एरिया हो, साथ में मेन रोड के नियर बाई हो, सिविल लाइन जैसी फैसिलिटी हो। बिल्कुल ऐसा ही विला आज आपके लिए लाए हैं आपके अपने शहर जयपुर में, आपके कालवाड रोड पर मंगलम सिटी में। शानदार से लोकेशन पे आपकी शानदार सी प्रॉपर्टी रहने वाली है। वेस्ट फेसिंग आपका विला रहने वाला है, 20x45 के डायमेंशन में 100 स्क्वायर यार्ड में शानदार सा आपकी ये विला रहने वाला है। 2 यूनिट्स अपनी यहाँ भी अवेलेबल है, साथ में सराउंडिंग एरिया आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा सराउंडिंग एरिया आपके यहाँ रहने वाली है। फुली आपकी एक भरी हुई कॉलोनी आपकी यहाँ रहने वाली है। बात करेंगे तो फ्रंट से 30 फीट रोड यहाँ रहने वाली है, सिविल लाइन जैसी फैसिलिटी आपके होने वाली है। साथ ही में वाटर की बात करेंगे तो कुछ ही दिनों में वाटर फैसिलिटी आपकी इस कॉलोनी में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब करेंगे इनसाइड की विजिट। इनसाइड का विजिट से पहले आपको बता देता हूँ, बर्म एरिया देखेंगे, काफ़ी अच्छे स्पेस में बर्म एरिया दिया गया है। साथ में डीको स्प्रे के साथ में आप देखेंगे आयरन की अच्छी क्वालिटी के डोर्स यहाँ दिए गए हैं। पार्किंग की बात करेंगे, एक बिग साइज़ की पार्किंग यहाँ आपको दी गई है, आराम से 4 व्हीलर आपकी एक यहाँ पार्क हो सकती है। साथ में ही आप देखेंगे आपको फुली टाइल्स वर्क यहाँ दिया गया है, जिससे डंप प्लेस जैसी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं रहने वाली है। साथ में ही बात करेंगे लॉबी एरिया की, काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको यहाँ लॉबी एरिया दिया गया है। साथ में गेस्ट रूम की एंट्री भी आपको यहाँ बाहर से दी गई है। मीटर के लिए भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ दिया गया, मीटर आराम से आपका यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही में देखेंगे मोटर के लिए आपको स्टेयर्स के बिल्कुल नीचे एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ दिया गया है। साथ में वाटर टैंक फैसिलिटी यहाँ दी गई है, जिसमें 7 से 8 हज़ार लीटर तक का वाटर आराम से स्टोरेज हो सकता है। 4 BHK आपका विला रहने वाला है। 2 स्टेप्स के बाद में इनसाइड का विजिट करेंगे, उससे पहले देखेंगे स्टेयर्स भी आपको बाहर से दी गई है, अच्छी क्वालिटी की SS की रेलिंग यहाँ लगा के दी गई है। साथ में ग्रेनाइट के टॉप के साथ में आपको यहाँ पे स्टेयर्स प्रिपेयर करके दी गई है, जो आपके फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली है। साथ ही में फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम 2 लेट बाथ, 1 किचन, 1 लिविंग एरिया के साथ में शानदार सा आपका ये विला रहने वाला है। इनसाइड के विजिट से पहले देखेंगे बिग साइज में आपको यहाँ विंडो दी गई है। साथ में देखेंगे एक अच्छी क्वालिटी का आपको वुडन का यहाँ पे गेट लगा के दिया गया, मेन गेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपका यहाँ रहने वाला है। वेस्ट फेसिंग ये आपका विला रहने वाला है, वास्तु के अकॉर्डिंग आपका ये विला रहने वाला है। ये आ गया शानदार सा आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में बिग साइज़ का आपको यहाँ LED पैनल दिया गया है। साथ ही में LED पैनल के साथ में आप देखेंगे वॉश बेसिन के लिए आपको ये स्पेस दिया गया, वॉश बेसिन यहाँ आपको इंस्टॉल करके दिया जाएगा। यहाँ भी आपको टाइल्स का वर्क करके दिया गया है। साथ में देखेंगे फोर सेलिंग एक खूबसूरत कलर के साथ में यहाँ आपको तैयार करके दी गई है। साथ में आप देखेंगे वॉल एक अच्छे कलर को कॉम्बिनेट करके आपको वॉल यहाँ प्रिपेयर करके दी गई है। लिविंग एरिया में आप आराम से 7 सीटर सोफा यहाँ इंस्टॉल कर सकते हो। 20x45 के डायमेंशन का शानदार सा आपका ये विला रहने वाला है। साथ ही में बात करेंगे कॉमन वाशरूम की। कॉमन वाशरूम में एक अलग ही डिज़ाइन की यहाँ आपको लुकिंग डिज़ाइन में यहाँ टाइल्स का वर्क करके दिया गया, फुली टाइल्स वर्क आपको यहाँ दिया गया है। साथ में आपको इंडियन सीट के साथ में ये आपका कॉमन वाशरूम तैयार करके दिया गया है। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने किचन की ओर। किचन की ओर से जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बेल आइकॉन को दबाना तो कभी ना भूले, जिससे क्या होगा हर एक प्यारे से नए से वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाएगा और आप प्रॉपर्टी SS Homes के साथ लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। देखेंगे टाइल्स का फुली वर्क आपको यहाँ किचन में दिया गया है। साथ में ग्रेनाइट के LSF के टॉप के साथ में आपको यहाँ आपकी किचन प्रिपेयर करके दी गई है। साथ में आपको फुली विंडो दी गई है और आपको यहाँ अपर कट दिया गया है, जो कि एग्जस्ट के लिए आपका यहाँ रहने वाला है। साथ में देखेंगे कि आपको यहाँ बिग फ्रिज के लिए एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ दिया गया है। साथ में आप देखेंगे अपर कैबिनेट्स आपको यहाँ दिया गया है और साथ ही में लोअर कैबिनेट्स यहाँ दिया गया है। स्लाइडर डोर्स के साथ भी आपका यहाँ रहने वाले हैं, अच्छी क्वालिटी के स्लाइडर डोर्स आपको यहाँ लगा के दिए गए हैं। काफ़ी शानदार स्पेस में आपकी ये शानदार सी मॉड्यूलर किचन रहने वाली है। ये आ गया शानदार सा आपका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में एंट्री के साथ देखेंगे कि वॉल पे आपको यहाँ टेक्सचर कलर करके दिया गया है। साथ में आपको फोर सीलिंग से कलर को कॉम्बिनेट यहाँ करके रखा है। AC का सेपरेट पॉइंट यहाँ दिया गया है। साथ में आपको बैकयार्ड एरिया दिया गया है। बैकयार्ड एरिया अपने अकॉर्डिंग इसको अपन यूज कर सकते हैं। साथ में अपर कट दिया गया है, जिससे आपको
सनलाइट एयर भी प्रॉपर इधर यहाँ मिलती रहेगी। साथ ही में अब देखते हैं कि अपने शानदार सी आपको यहाँ वार्डरोब दी गई है जो कि आपके फर्स्ट बेडरूम में रहने वाली है। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की ओर। सेकंड बेडरूम वेस्ट फेसिंग आपका ये विला रहने वाला है, 20x45 के डायमेंशन में 100 स्क्वायर यार्ड में रहने वाला है। साथ ही में सेकेंड बेडरूम के एंट्री में देखेंगे टेक्सचर कलर एक अच्छी डिजाइन में तैयार करके दिया गया है। एसी का सेपरेट पॉइंट आपको यहाँ दिया गया है, साथ ही में फ्लोर सीलिंग भी आपको अच्छी डिजाइन में तैयार करके दी गई है। आपको फुली साइज में यहाँ वार्डरोब दी गई है जो वुडन कलर में आपकी रहने वाली है, आयरन की अच्छी क्वालिटी की आपकी रहने वाली है। साथ ही में आपको फुली टाइल्स वर्क के साथ में अटैच लेट बाथ दिया गया है। वेस्टर्न सीट अभी यहाँ लगना आपकी इंस्टॉल होना बाकी है। आपको फुली टाइल्स वर्क के साथ में यह रहने वाली है। साथ ही में देखेंगे आपको बिग साइज़ की विंडो यहाँ दी गई है जो कि फ्रंट में आपके यहाँ रहने वाली है। साथ में डुअल डोर एंट्री दी गई है, आपका गेस्ट रूम की एंट्री आपको बाहर की साइड से दी गई है और इन साइड से भी दी गई है। फ्रेंड्स विजिट कर लिया अपने ग्राउंड फ्लोर का, 2 बेडरूम 2 लेट बाथ, 1 किचन और 1 हॉल का। अब चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी मैंने बताया था आपको सेम रहने वाला है, रेंट के पर्पज़ से आप इसको रख सकते हैं, साथ में आप अपने 2 फैमिलीज़ के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। देखेंगे स्टेज में आपको टफन ग्लासेस का वर्क यहाँ दिया गया जिसे सनलाइट प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ ही में देखेंगे कि यहाँ पे अच्छी SS की अच्छी क्वालिटी की रेलिंग आपको यहाँ लगा के दी गई है, एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ दिया गया, साथ में स्टेज दी गई है जो आपको टेरिस पे आपकी जाती है। फ्रेंड्स एक भरी हुई कॉलोनी में आपका ये शानदार सा विला रहने वाला है। वॉल पे आपको यहाँ टेक्सचर कलर करके दिया गया है, साथ में आपको फोर सेलिंग से कलर को कॉम्बिनेट ये करके दिया गया है। शानदार सा सेम आपका ग्राउंड फ्लोर की तरह रहने वाला है। कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ दिया गया है जो कि आपको इंडियन सीट के साथ में रहने वाला है। फुली टाइल्स वर्क आपको यहाँ दिया गया है, साथ में आपको यहाँ मॉड्यूलर किचन दी गई है। किचन में अभी कुछ वर्क होना बाकी है, किचन आपको यहाँ प्रिपेयर करके दी गई है जो कि ग्राउंड फ्लोर की तरह आपकी रहने वाली है। साथ में ही आपको वॉश बेसिन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है, टाइल्स का वर्क आपको यहाँ करके दिया गया है। शानदार सी ये आ गया अपना थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम सेम आपको ग्राउंड फ्लोर की तरह फर्स्ट बेडरूम की तरह रहने वाला है। एसी का सेपरेट पॉइंट के साथ में आपको टेक्सचर कलर यहाँ वॉल पे करके दिया गया है, फोर सीलिंग का वर्क भी करके दिया गया है। साथ में देखेंगे आपको यहाँ वार्डरोब दी गई है जो कि आयरन की ये आपकी रहने वाली है। साथ में बैकयार्ड एरिया आपको यहाँ दिया गया है जो कि एयर सनलाइट प्रॉपर आपको यहाँ देता रहेगा। अपर कट भी आपको यहाँ दिया गया है। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम में। फोर्थ बेडरूम आपकी बालकोनी की तरफ रहने वाला है। साथ ही में फोर्थ बेडरूम में अपन जैसे एंट्री करेंगे अपना ध्यान सीधा जाता है अपने टेक्सचर कलर का, अपने टेक्सचर कलर पे जो कि आपकी वॉल पे एक अच्छी क्वालिटी का टेक्सचर कलर यहाँ आपको करके दिया गया है। एसी का सेपरेट पॉइंट यहाँ दिया गया है, साथ में फुली आपको वार्डरोब यहाँ दी गई है। फ्रेंड्स फोर बेडरूम आपको यहाँ दी गई है, फोर बेडरूम में आपको सभी में एसी के सेपरेट पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। साथ में ये आ जाएगा आपका अटैच लेट बाथ, फुली टाइल्स वर्क के साथ में आपको अटैच लेट बाथ आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रेंड्स अब विजिट करते हैं शानदार से अपनी बालकोनी का। बालकोनी भी काफ़ी अच्छे स्पेस में आपकी यहाँ रहने वाली है, साथ में 20x45 के डायमेंशन में 100 स्क्वायर यार्ड में शानदार सा आपका ये विला रहने वाला है। साथ ही में अपर सेलिंग देखिए आप, वुडन कलर के साथ में आपको ये तैयार करके दी गई है। फाइनली बात करेंगे अब प्राइस की। प्राइस से बात करने से पहले एक बार डायमेंशन रिवाइज करवा देता हूँ। 20x45 के डायमेंशन में 100 स्क्वायर यार्ड में आपके शहर जयपुर में कालवाड़ रोड पे मंगलम सिटी में मात्र मेन रोड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में सिविल लाइन के साथ में सोसाइटी पट्टे में आपका ये विला रहने वाला है। वेस्ट फेसिंग आपका वास्तु के अकॉर्डिंग विला रहने वाला है। मात्र 57 लाख रुपये में 4 बेडरूम 4 लेट बाथ 2 किचन 2 लिविंग एरिया के साथ में आपका अपना रहने वाला है। आपका रहने वाला प्राइस मात्र 57 लाख रुपए आपकी इसकी रहने वाली है। मान सम्मान भी आपका इसमें रखा जाएगा। नंबर मेरी साइड स्क्रीन पे बिलिंग कर रहे हैं, आइए विजिट कीजिए, परचेज कीजिए। फिर मिलेंगे प्यारे से और नए से वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे दोस्तों।